ये देखें जी, ये सब स्टार्ट तरीका है, एक दो तीन पे एक हथ लगाना है, फिर एक दो तीन पे, फिर ढाई, फिर एक दो, फिर ये बंद कर देना, ठीक है। इधर से भी हम जो है ना खत लगाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, ये दो लगा ली हमने। अब इनको आपस में मिला देंगे, लाइनें लगाएंगे, पैमाना तो है नहीं, बिना मिला देंगे। पैमाना नहीं है, हम गरीब बंदों के पास, ये हम इसके साथ ही गुजारा करेंगे। ये एक लाइन इसके साथ मिला दी, सही मिली नहीं है लाइन, ये पैमाना हो तो ज़रा सही लगती लाइन, चलो फिर भी टेम्परेरी बता रहा हूँ। ये लाइन जो नीचे वो सारा ख़राब हो गया, सही कह रही है। एक लाइन ये लग गई ढाई पे, एक लाइन ये नीचे लगेगी, ठीक है। ये देखिए एक लाइन ये लग गई है, अब लिखेंगे हम अलिफ। आज अलिफ बे ते जीम, तीन हरफ लिखेंगे हम। ये देखिएगा, ये सबसे पहले अलिफ लिखेंगे हम, ये होगा एक दो तीन, तकरीबन 3.5 मतलब तक होता है ये, ठीक है। और इसके बाद जो अलिफ मद्दा जो आती है, मद्दा आती है वो बनाएंगे हम, इसका जो होता है ना साफ खत जो होते हैं वो होते हैं एक दो तीन, ये तीन पे तकरीबन 2.5 से थोड़ा सा आगे इसका जो खत लगाना होता है, फिर एक दो, और 1.5 पे ये 2 खत नीचे होनी चाहिए आगे से, ठीक है। मैं बड़ी बे लिखूँगा, बड़ी बे 11 खत की होती है, ये देखिएगा। ये है जी बड़ी बे, इसको मैं कत लगा के दिखाऊंगा आपको, लगाऊंगा एक दो तीन चार पाँच छः सात 8 9 10 11, 11 गत की होती है ये, तकरीबन 1 गत जो है ना ज़्यादा बड़ी बन गई है मुझे से। चलें खैर, एक दो तीन चार पाँच छः, छः पे आप लोगों ने ये 2 कत लगाने हैं, ठीक है। ये बड़ी बे होगी, ये इसका बे का नुक्ता आ गया। अब छोटी बे जो है 5 कत की होती है, वो इसके ऊपर आएगी बिल्कुल, 3 कत छोड़ के पहले यहाँ पे आप लोगों ने, ये जी ते लिखा हमने, एक दो तीन चार पाँच, ये 5 कत की होती है, ठीक है। ये 2 नुक्ते यहाँ पे आ गए इसके सेंटर में, ये आगे जी आगे हम लिखेंगे जीम। जीम जो है ना यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये कलम की जो कोना होता है ना, कोने के साथ जो है ना इसका ऊपर वाला हिस्सा बनता है, कलम की जो नोक होती है ना, नोक के साथ जो है ना वो ऊपर वाला जो जीम का सर है ना वो बनाना होता है। ये देखिएगा, ये बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे टच करके, एक दो, दो पे जाके ना हमने ये टच करना है इसको, ये देखिए तकरीबन 2 होनी चाहिए, ये ऊपर से थोड़ी मोटी होगी और नीचे से बारीक होगी, ठीक है। और ये 1 2 3 4 जो इसका पेट है वो 4 कत, और जो इसकी नीचे पेट की जो गहराई है वो तकरीबन 2.5 कत होगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से ना सेट होने वाली है, ये हम इसको इसका पेट बनाते हैं,
लेंगे इसका जी पेट चार कद। ये तकरीबन एक तो तीन तीन कद जो इसका वो सामने, ये बिल्कुल जैसे अंडे की शक्ल होती है ना गोल अंडे की, वैसे इसकी जो है ना वो बेजवी शक्ल होती है जीम की पेट की। ये जी आज का सबक है, आज 23 तारीख है और 2022 से। ओके जी, डन।